दोस्तों, आखिर किसने रचा ब्रह्मांड? यह सवाल आज भी उतना ही ताजा है जितना कि प्राचीन काल में हुआ करता था। ईश्वर के होने या नहीं होने की बहस आज प्राचीन काल से चली आ रही है। अनिश्चयवादी मानते आए हैं कि यह ब्रह्मांड स्वतः स्फूर्त है, लेकिन ईश्वरवादी तो इसे ईश्वर की ही रचना मानते हैं। आज भी लोग धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसे बगैर विचारे पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं। वेद पुराण, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ आदि सभी धर्म ग्रंथ ब्रह्मांड को ईश्वरकृत मानते हैं, लेकिन दर्शन और विज्ञान अभी भी इसके बारे में बहस और शोध करते रहते हैं। पहले की अपेक्षा विज्ञान ने ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया है। देखना है कि आगे क्या होता है। आइए जानते हैं 29 अप्रैल को नासा के द्वारा बताई गई एक रहस्यमय घटना के बारे में, उस खगोलीय उल्का पिंड के बारे में जो कि कहां से आया और क्यों। उससे पहले जानते हैं कि ब्रह्मांड है क्या। धर्म तो सीधे सीधे ईश्वर को रचयिता मानकर छुटकारा पा लेता है। हमारी पृथ्वी सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण घूम रही है। आप इसे यह भी कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी आकाशमंडल में उड़ रही है। ब्रह्मांड समस्त समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर्वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोल पिंड, गैलेक्सियों के बीच अंतरिक्ष की अंतर्वस्तु, अपरमाणविक कण, सारा पदार्थ, सारी ऊर्जा शामिल है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का व्यास वर्तमान में लगभग 28 अरब पार्सेक यानी 91.1 अरब प्रकाश वर्ष है। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड का व्यास अज्ञात है और हो सकता है कि यह अनंत हो। लगभग 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई, फिर वह मचलने लगा जिससे कई सारे ग्रह, तारे और बड़े बड़े आकार के गोले नजर आने लगे। उन्हीं गोलों में से एक हमारा पृथ्वी बना, जो कि काफी गर्म गोले की तरह था। धीरे धीरे हमारी पृथ्वी कई प्रकाश वर्षों में ठंडा हुआ, जिससे हमारी पृथ्वी रहने लायक हुई। दोस्तों, आइए जानते हैं हम जिस मुद्दे पर बात उठाए हैं उसकी। एस्ट्रॉइड क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट हमारे सौरमंडल का एक क्षेत्र है जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच स्थित है। एस्ट्रॉइड को हिंदी में उल्का पिंड कहते हैं। हमारे सौरमंडल में ऐसी लाखों छोटी बड़ी चट्टाने हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए कई बार पृथ्वी के निकट आ जाती है। कई एस्ट्रॉइड टुकड़े टुकड़े होकर धरती पर गिर जाती है। अतीत में उल्का पिंडों से कई बार जीवन लगभग समाप्त हो चुका है। डायनासोर के ना रहने से आपको भली भांति अवगत है। अंतरिक्ष में भटक रहा सबसे बड़ा उल्का पिंड 2005 YU-55 है, लेकिन फिलहाल खतरा एस्ट्रॉइड एफोसिस से है जो 30 वर्षों बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक से गुजरेगा। दोस्तों, नासा ने अभी तक ऐसे ऐसे एस्ट्रॉइड को ढूंढ निकाला है जो हमारी धरती के काफी करीब मौजूद है। 2005 YU-55 पहाड़ी आलू जैसी एक बड़ी एवं ठोस चट्टान है। इसकी लंबाई 1300 फुट है। अगर यह पृथ्वी से टकराती है तो 50 अरब टन TNT यानी ट्राई नाइट्रोटाइलिन के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो आधी धरती को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है। इसके पहले वर्ष 1981 में यह उल्का चंद्रमा के पास से गुजरा था, लिहाजा तब खतरे जैसी कोई बात नहीं थी। फिर यह 2011 में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच से गुजरा था, तब धरती बाल बाल बची थी। वैसे यह सूर्य के प्रचंड गुरुत्वाकर्षण में बंधा हुआ रहता है, अतः इसके अपने पथ पर सीधे आगे निकल जाने की उम्मीद अधिक रहती है। उल्का पिंड 2005 YU-55 जो कि टेलीस्कोप के माध्यम से इस माह में दिखने लगेंगे, इसके लिए दुनिया भर के खगोल विज्ञान क्लब संस्थाएं तैयारी में जुटी है। नासा के पास पृथ्वी के आसपास 140 मीटर या उससे बड़े करीब 90% एस्ट्रॉइड को ट्रैक करने का प्लान है। सामान्य रूप से एस्ट्रॉइड पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते वक्त उनका द्रव्यमान कम हो जाता है, जिनमें से कुछ एस्ट्रॉइड की कीमत कई ट्रिलियन डॉलर है। एस्ट्रॉइड में मौजूद ऐसे मिनरल्स हैं जो कि आपको एक अच्छा खासा अरबपति से ज्यादा, यानी दोस्तों आप एक अच्छे खासे जीवन जीने लगेंगे। आपको अपनी पीढ़ी के 1000 साल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी धरती के करीब 14,000 NEO यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट जो कि समय समय पर धरती के काफी करीब से गुजर जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे हजारों ग्रह और उल्का पिंड हैं जो कई बार धरती के नजदीक से गुजर चुके हैं। समीक्षक और व्याख्याकार का कहना है कि इस उल्का के गिरने का केंद्र हिंद महासागर मानते हैं। ऐसे में मालदीप, बुनेई, न्यूगिना, फिलीपींस, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका के तटवर्ती राष्ट्र तथा अरब सागर से लगे राष्ट्र डूबने से प्रभावित होंगे। दोस्तों, नासा ने यह भी बताया है कि 29 अप्रैल को एक क्षुद्र ग्रह हमारी पृथ्वी से होकर गुजरेगा। ये तो रियलिटी है, पर हमारी धरती से लगभग
4 मिलियन दूर से गुजरेगा, जो कि दोस्तों काफी डिस्टेंस होता है। इससे हमारी पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों नासा हर पल हर क्षण अपने काम पे सजग रहती है। उम्मीद करता हूँ आपको एस्ट्रॉइड क्या है पता चल ही गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका अपना चैनल रहस्य ट्यूब चैनल, नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप और भी अपडेट्स ले सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।